अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा खान रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, रमजान जैसे कि जाता हुआ रमजान है, तो एक बार पकौड़ी बना तो मस्त बनता है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी लच्छा आलू के पकौड़े। बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्रंची कुरकुरे बनते हैं। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा इस रमजान में, जाते हुए रमजान में एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और जाते हुए रमजान है तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ करिएगा मेरी और मेरी फैमिली के लिए, मेरे काम के लिए भी। तो फ्रेंड्स, से चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके रेसिपी हमारी आज की स्टार्ट करते हैं, आलू लच्छा पकौड़ा। सो फ्रेंड्स, चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं आलू लच्छा पकौड़ा, जिसके लिए हमें चार आलू ले लेना है। आलू को मैंने छिलका इसका रिमूव कर दिया था और अच्छे से धो लिया है, धोकर मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब एक बड़े साइज की कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं या फिर तबाक ले सकते हैं, और जो भी आपके घर में अवेलेबल हो कद्दूकस, चाहे वो मोटा साइज का हो चाहे वो पतला हो, वो आप ले सकते हैं। और आलू को जो है अच्छे से आपको कद्दूकस कर लेना। तो चारों आलू को जो है फ्रेंड्स मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, तो कद्दूकस कर लिया है देखिए। अब ये जो है इसको हमें अच्छे से धो लेना है। तो एक बाउल में यहाँ पे आपको पानी ले लेना है, साफ पानी लेना है, और जो आलू लच्छा है उसको अच्छे से जो इसका पानी एकदम हाथों से आप निचोड़ लीजिए, जितना हो सके दबा दबा के इसका जो स्टार्च है वो निकाल दीजिए। और यहाँ साफ पानी में हम इसके लच्छे डाल देंगे ताकि एकदम खिल जाए और एकदम अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो बचा हुआ सारा हम लच्छा भी इस तरह से डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अब इसको हमें अच्छे से वॉश कर लेना है 4 से 5 पानी से, और आप इसको स्ट्रेनर या फिर छलनी में आप धोएं। तो मैंने यहाँ छलनी में इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इसका निकाल दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लहसुन, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ नमक डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम ले लेंगे गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड है और यहाँ मैं व्हाइट वाले तेल ले रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है, आपके पास हो तो इसे डाल दे वरना आप स्किप कर सकते हैं। और मैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी। हरे धनिया से और हरी मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही चटपटे से बनेंगे। अब यहाँ बाइंडिंग के लिए हम बेसन लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे डाला है 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन, और 2 बड़े चम्मच भरकर हम यहाँ डाल देंगे पिसे हुए चावल का आटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों चीजें बराबर से आपको डालनी है, तो जिससे कि क्या होगा एकदम बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो है आलू लच्छा पकौड़ा बनकर रेडी होंगे। अब इनको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पानी है और हमारा जो पकौड़ा जो है वो बन नहीं पाएंगे, पकौड़ी शेप नहीं आ पा रहा है और बहुत ज्यादा गीला है अगर आपका मिक्सचर, तो आप इसमें जो है बेसन और चावल की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा पतला है मिक्सचर, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा मिक्स कर लिया। तो आप देखने में लग रहा है आपको एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। तो देखिए इस तरह से बॉल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से जैसे छोटे छोटे बॉल्स बनने लगेंगे, शेप आने लगेगा, तभी आप समझ लिया आपका जो मिक्सचर है वो परफेक्ट तैयार हो गया है पकौड़ों का। तब यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर जो है तेल गरम कर लिया है, तो तेल में लाइट ऑयल आज यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया। अगर आपको क्रिस्पी और एकदम क्रंची और एकदम करारे बिल्कुल खाने हैं पकौड़े, तो आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम करके अच्छे से फ्राई करें। तो एक ही बार में फ्रेंड्स मैंने सारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे से डाल दिए हैं, छोटे छोटे डाल रही हूँ। तो इसी तरह से बनाइएगा आप, जितने छोटे पकौड़े आप इसमें डालेंगे उतने ज्यादा क्रिस्पी एकदम फ्राई होंगे। अब यहाँ पर देखिए हल्के हल्के हाथ से हम इसको पलट देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी आप बर्तन ले लें, उसे धीरे धीरे करके सारे पकौड़ों को अच्छे से पलट दीजिए। जब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तभी आप इसको पलटें। और यहाँ पे कलर आ गया, तो धीरे धीरे मैंने सारे पकौड़ों को इस तरह से पलट दिया है। तो बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बने थे। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। चाय के साथ आप खाइएगा शाम को, या आप इफ्तार में इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए मैं फ्रेंड्स फ्राई हो गए हैं, प्लेट में इसको निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ फटाफट से मैं प्लेटिंग भी कर लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बने, एकदम क्रिस्पी हैं, ऊपर से एकदम करारे। तो मैं आपको इसकी आवाज भी दिखाऊंगी सुनाऊंगी कि कितने ज्यादा क्रिस्पी हमारे जो पकौड़े हैं आलू लच्छा वो फ्राई हुए हैं। तो देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। और इसको अपने घर में आराम से बना सकते हो आप। सो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी आवाज दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने क्रिस्पी हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर रेडी हुए हैं, तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर टेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा रमजान है फ्रेंड्स, अभी अफ्तार में टाइम है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।